पुलिस की 28 तफ्तीशी टीमें दो मुलजमान ना पकड़ सकी। 400 से ज्यादा पुलिस वालों को दो मुलजमान चकमा दे गए। 250 पुलिस अहलकार, अफसरान, सीटीडी, स्पेशल ब्रांच सब मुंह देखते रह गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब ने एतराफ कर लिया। पंजाब पुलिस की नाहली, खातून के साथ ज्यादती के मुलजमान फरार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब ने मुलजमान का फरार होना तस्लीम कर लिया। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया कि जब पुलिस मुलजिम आबिद अली के घर पहुंची तो वो अपनी अहलिया के साथ खेतों में भाग गया, जिसकी वजह से पुलिस मुलजमान का मजीद ताकुब ना कर सकी और वो फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया, उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब इनाम गनी ने मजीद बताया कि पुलिस ने मुलजिम आबिद अली के दो अजीजों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की नाअहली से मुलजिम फरार होने पर वजीर आला पंजाब ने अवाम से मदद मांग ली। इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा इराज में रखा जाएगा। बुज़दार सरकार ने मोटरवे ज्यादती केस के मुलजमान को पकड़ने में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख इनामी रकम देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है, अगर मुलजमान को भी अवाम नहीं पकड़ना है तो फिर पुलिस समेत कानून का नफाज करने वाले इदारों के ये लाओ लश्कर किस मरज की दवा है? इरफान मलिक, सिटी 42।